चलिए अपन यहाँ से करते हैं पेज मेकर को ओपन करते हैं। कहाँ पे है ये? कंट्रोल एन से क्या करते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं, जितने भी पेजेस लेने हो आपको एंटर। अरे 100 पेज तो बहुत सारे आ गए, कोई बात नहीं। यहाँ पे अपन शो हाइड एंड टूल बार पे क्लिक करेंगे तो आपके ये आ जाएंगे टूल बार। अब कहाँ से लाएंगे अपन, इस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे प्लस इनवेस पे जाएंगे और यहाँ से शो हाइड टूल बार। अब इसको आपको किस टाइप में रखनी है, अभी बॉक्स में आ रहा है आपका, इस पर आप क्लिक करेंगे ना भाई तो इस टाइप से आ जाएंगे, आपको नीचे इसी टाइप से मिलती है, मिलती है ठीक है। तो यहाँ पे यही है, आपका कौन सा ऑप्शन है, फाइंड मतलब सर्च करना हो, ये आपका प्रिंट के ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे फोल्डर, ये आपका कैरेक्टर का दिया गया है, जो अपन कंट्रोल टी करते हैं उसका ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है आपका। फिर यहाँ पे ये आपका दिया गया है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ पे कुछ कुछ इस टाइप से ऑप्शन दिए गए हैं। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और यहाँ पे अपन उसको ड्रैग कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं, जितना भी आपको बड़ा साइज का वो बनाना हो कार्ड टाइप में, आप यहाँ पे उसको ड्रैग कर देंगे और इसको मूव करके आप कहीं भी इस टाइप से रख सकते हैं ठीक। अब इसकी विड्थ आपको मोटी पतली करनी हो तो वो कैसे करेंगे, हमने बताया था आपको यहाँ पे एलिमेंट स्टॉक और यहाँ से आप विड्थ कर लेंगे। विड्थ का कलर चेंज करना हो तो कंट्रोल जी, तो आप कंट्रोल जी से उसका कलर चेंज कर लेंगे, विड्थ का नहीं सॉरी आउटलाइन जो है उसका, पर अपन यही रहने देते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपने सेंटर का नाम लिखते हैं, तो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे और जितने एरिया में लिखना वो एरिया सेलेक्ट करेंगे। बड़ा साइज करना हो तो इस पर आप क्लिक कर करके बड़ा साइज कर सकते हैं। अरे अपने बाहर क्लिक कर दिया, अब अपन लिख लेते हैं, फिर बाद में अपन बाद में भी बड़ा साइज कर लेंगे इसका ठीक। अब आप यहां से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और बड़ा साइज कर देंगे। आई नहीं हुआ, आई रह रहा है बेचारा, कोई बात नहीं अपन उसको भी कर देते हैं यहाँ पे। हो गया ना, और छोटा रह गया है ना, कोई बात नहीं अपन क्या करते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं फिर से लिखते हैं। ठीक है अब ठीक आ रहा है फॉन्ट साइज, और भी बड़ा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल प्लस प्लस ग्रेटर देन, इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंडेंट, इस पे क्लिक करेंगे आपको कितना लेफ्ट राइट में करना है वो कर लेंगे इस टाइप से, तो अपन इतना रहने देते हैं सही है। अब सही है ठीक आ जाएगा। अब आपको इसमें यहाँ पे बुलेट देनी हो, बुलेट जो रहती है ना आपको ये मिलते हैं बुलेट्स का ऑप्शन ठीक है, नंबरिंग एंड बुलेट्स, आपको पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आउट एरिया में टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो आप पेज को मूव करके भी इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप पेज पे भी ले सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो हम यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे पहले तो, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं कुछ, पर इसका बहुत छोटा साइज आ रहा है तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा इसका बड़ा साइज कर लेते हैं, जितनी बड़ी आपको बुलेट्स लेनी हो ना आप अपना साइज कर लेना, एक्स वाई जेड आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना और यहाँ पे आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ पहले से फॉर्मेट दिया है इस बुलेट्स का ठीक है, तो अगर आपको कुछ और लेनी है स्टाइल वाली तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, जिसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी बुलेट्स आ जाएंगी ठीक है। तो आपका ये फॉन्ट है, फॉन्ट को आप यहाँ पे जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी यहाँ पे बुलेट्स आपको दे देगा ठीक। ये कैसी है,
इसका अपन साइज बड़ा करके देखते हैं यहाँ से, ये ठीक लग रही है। यहाँ से आप साइज बड़ा कर लेंगे जितनी भी बड़ी आपको यहाँ पे बुलेट्स लेनी है, और बड़ी लेनी है तो 72 कर देंगे तो और बड़ी आ जाएगी। ओके करेंगे, तो यहाँ पे ओके करेंगे। ज़्यादा बड़ी थी लगता है बुलेट अपनी, हट नहीं है ये है, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और मूव करके आप यहाँ पे रख देंगे। आप पेज पे भी ले सकते हैं, ठीक है, हमने आउट एरिया में लेकर दिखाई आपको, आप पेज पे ले लेना। अब अपन इस टेक्स्ट को हटा देते हैं, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और इसे अपन बैक स्पेस से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसका स्पेस बहुत ज्यादा ले रहा, कोई बात नहीं, अपने आप इसको रख देंगे ऊपर। अब आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, अपन ने इसको थोड़ा सा फॉन्ट का साइज ज्यादा बड़ा आ रहा है, इसमें छोटा कर देते हैं, नहीं हो रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। बुलेट का साइज 60 है तो वो इतना ही ले रहा है। अब आप इस पर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे मूव टूल से और इसे कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे करेंगे, कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं या फिर एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे, दोनों कर सकते हैं। पेस्ट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल वी, और अगर आपको एक साथ मल्टी पेस्ट करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, कितनी कॉपी करनी है वो आप यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो आ गई आपके पास यहाँ पे। और इसको मूव करके फिर आप जहाँ कहीं भी इस टाइप से रखना चाहते हैं इसको रख देंगे, और इनको भी कहीं रखना है आपको कॉर्नर में या कहीं और तो वो भी रख देंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ वगैरह करनी हो या फिर ये जो फॉन्ट लिया है आपने उसका आपको क्या करना हो, स्टाइल चेंज करनी हो, बोल्ड इटैलिक या जो भी करना हो, सब आ जाएगा आपको। कैसे करेंगे, हाँ कंट्रोल टी से या फिर ये कैरेक्टर वाले ऑप्शन से, तो पहले तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करना रहेगा और टेक्स्ट को सेलेक्ट करना रहेगा इस टाइप से, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ये कैरेक्टर करेंगे या कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो यहाँ से आपको जितना भी फॉन्ट साइज करना है आप वो कर लेंगे, बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर देंगे और ओके करेंगे तो आ जाएगा, पर ज़्यादा बड़ा हो गया अपन छोटा ही रहने देते हैं, बस बोल्ड कर देते हैं उसको। और यहाँ पे ब्लैक की जगह अपन कर देते हैं, बाद में कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। अब अपन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं, तो हम ये ले लेते हैं, यहाँ से अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये बिल्कुल सीधी आएगी आपकी। एक और करनी है तो आप वो भी कर लेंगे इसी टाइप से, अगर आपको बड़ी छोटी लगती है तो आप मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव कर लेंगे आप, लेकिन पहले आप ये सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको इनको ग्रुप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे ग्रुप, हमने बताया था, आप पहले इनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कैसे करेंगे, होम की और इस पे आप इसको आउट एरिया पे इस टाइप से ड्रैग कर देंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एलिमेंट और यहाँ पे ग्रुप, इन दोनों का एक साथ ग्रुप बन जाएगा। अब अपन यहाँ पे कुछ स्टाइलिश वाला सर्कल लेना हो या जिस भी आपको यहाँ पे लेना हो इस टाइप का, यहाँ से आप ले लेंगे और इसको आप ड्रैग कर देंगे। छोटा साइज लेना तो वो भी ले सकते हैं, बड़ा लेना तो वो भी ले सकते हैं, तो अपन इतना ही लेने देते हैं, बाद में अपन छोटा कर स्टार वाला लें, ठीक है। तो अपन इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, मूव टूल और इस पर आप क्लिक करें तो सेलेक्ट हो जाएगा और फिर डिलीट, ठीक। स्टार वाला लेना है तो यहाँ से इस पर डबल क्लिक करेंगे, पर अभी आप देखते हैं इस टाइप में आ रहा है वो आपका, तो इसका आप चेंज कर सकते हैं। ठीक
ठीक है, जब तक थोड़ा कम करें। ठीक है, अब अपन यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, एक यहाँ पे कर देते हैं ड्रैग और एक यहाँ पे कर देंगे। इसमें अपन डीसी पीजी डीसी लिख देंगे, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पर आप ड्रैग करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं डीसी, ये इसको अपन सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन इसका साइज बड़ा कर देंगे। अब अपन इसको यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर देते हैं, ये सेंटर में नहीं आएगा आपका एकदम, कोई बात नहीं अपन बाद में कर देंगे। और इसमें अपन लिख देंगे पीजी डीसी, इसका साइज अपन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट, सॉरी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे आप और शिफ्ट कंट्रोल ग्रेट आ जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करते हैं थोड़ा सा और इनको अपन सेंटर में कर देंगे। ऊपर नीचे हो रहे हैं थोड़े, क्यू ज्यादा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। कैसे, इसको आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे थोड़ा सा ऊपर रख देंगे मूव कर, और ये टैग पर आप टैग को मूव करेंगे और मूव करके आप उसे किसी भी उसमें रख सकते हैं। हाँ होता है, नहीं बुस्कट नहीं होगा, नहीं देखिए हम बताते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ से मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और इन शेप्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे कंट्रोल जी। आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आपको जो भी कलर इसमें फिल करना है वो कलर ले लेंगे, और यहाँ से आप उसका टिंट वगैरह कम कर देंगे जितना आपको लेना हो, ये ठीक है। और इसमें भी अपन यही कलर ले लेते हैं, ये लिया है कितना परसेंट था आपने, 40, यही था आ गया। अब टेक्स्ट का करना है, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से भी कर सकते हैं आप टेक्स्ट का कलर और कैरेक्टर वाले डायलॉग बॉक्स से भी कर सकते हैं, तो करें क्या या फिर यही ठीक है, यही ठीक है ओके। अब इसमें फॉर्मेटिंग आपको और भी करनी है कुछ, तो यहाँ पे आप कर लेंगे सभी स्टूडेंट, जैसे कि आपको अब यहाँ पे कि सिंपलिसिटी फ्री लिखना है जैसे लिखा है ना, या फिर आप यहाँ पे ये जॉब ट्रेनिंग फ्री लिखा है ये लिखेंगे आप, तो आप कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट टेक्स्ट टूल भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, और अगर आपको सर्कल में लेना है या फिर किसी शेप में लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अपन यहाँ पे इस टाइप से ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अपन जॉब ट्रेनिंग, सही लिखा रहा है ठीक। इसको अपन सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन का साइज बड़ा कर देंगे, आ गया। फॉन्ट वगैरह कलर करना है तो आप कर सकते हैं। अब अपन इस पूरे ही में कर देते हैं, इसको सेलेक्ट किया अपन ने और अपन क्या कर देते हैं इससे क्लिक करें, ज़्यादा रेड आ रहा है इससे जाएंगे आप और यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर देंगे, ठीक लग रहा है, और भी ज़्यादा लाइट करा तो वो भी कर देंगे आप। तो आ जाएगा आप सभी को, अब आपको जैसे हम इतना ही रहने देते हैं, आप और अच्छे से फॉर्मेट तैयार करना, जो जो आपको फॉर्मेट आपने देखे होंगे ना कुछ कार्ड के छोटे छोटे, तो उस टाइप से आप बना के देखना ठीक है। और अपन अब यहाँ पे क्या करते हैं, और भी कुछ लिखना है जैसे कि एड्रेस लिखना है या मोबाइल नंबर लिखना, तो क्या करेंगे आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। और भी आपको नंबरिंग वगैरह देनी हो, बुलेट्स वगैरह देनी, कोर्स लिखना हो, डीसी होता है, पीजी डीसी भी होता है, बेसिक पहले, तो वो भी लिख सकते हैं आप कोर्स करके यहाँ पे। तो अपन एक यहाँ पे लाइन दे देती हैं इस टाइप से ठीक, और इसकी स्टॉक थोड़ी सी अपन मोटी कर देते हैं, ये ठीक है। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, डीसी पीजी डीसी तो अपन ने लिखा ही है, यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे एड्रेस लिख देते हैं,
करते हैं। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे। फॉन्ट साइज में छोटे में वो दिखता नहीं है थोड़ा सही से, तो आप बड़ा करके दिख लिया कर। क्या हुआ? हाँ यहाँ पर देखिए गलत आ गया अपना ये, अपन इसको हटा देते हैं। ये ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे अपन ने कौन से पेज पे इसको बनाया है, राइट मास्टर पेज पे, तो फर्स्ट पेज पर आ जाएगा आपका, आ गया कार्ड। सेकंड पे नहीं आएगा अब आपका, थर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल और यहाँ से सेव एज। अब आपको यहाँ पे ये लोकेशन पूछेगा, तो अपन यहाँ पर लोकेशन क्या दे दें, अभी अपन फिलहाल में डेस्कटॉप दे देते हैं, लेकिन आप सभी को डेस्कटॉप नहीं देना, ठीक है। आपको किसी ड्राइव के अंदर सेव करना है और सी ड्राइव में भी डेटा सेव नहीं करना है आपको। अपन यहाँ से ले लेते हैं डेस्कटॉप, फिर यहाँ से आपको फाइल नेम देना हो तो आप यहाँ से फाइल नेम दे सकते हैं, तो अपन यहाँ पे अपने सेंटर का नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है आपका सेव अस टाइप, इसके ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ रहा है इस टाइप से। आपको ये इसमें करना तो इसमें कर सकते हैं, टेम्पलेट्स में करना तो टेम्पलेट्स में कर सकते हैं, अपन टेम्पलेट्स में कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे आ गया, कहाँ गया, ये आ गया। इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ओपन हो रहा है, लेकिन वही ओपन हो रहा है क्योंकि अपन यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट किया है इस टाइप से। देखिए आ गया कार्ड, ठीक है, तो आ जाएगा आपका बिल्कुल। कुछ और पूछना हो तो वो पूछिए, क्या आप इतना बना के देखेंगे। ठीक, अब अपन ये जो फाइल बनाई थी ना अपन ने, उसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कट कर देते हैं, कंट्रोल एक्स किया या फिर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, और अपन दिस पीसी के अंदर किसी ड्राइव में सेव कर देते हैं, जिससे कि अपनी वो डिलीट नहीं कर पाएगा कोई। ठीक है, ये आ गए, क्लोज कर देते। ठीक है, तो आप सभी सुन इतना करके देखना, नहीं आज तो नेक्स्ट कल पूछ लेना।